नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव। पिछले वीडियो में भी हमने हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया और इस अध्याय के अंदर भी हम हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर समीक्षा के रूप में हम ये प्रभाव कर रहे हैं। निसंदेह हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और बहुत ही तेजी से बहुत अल्प समय में भारत देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, पर साथ ही साथ हरित क्रांति के कई ऐसे दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम सामने आए जिसका कि पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी वो प्रभाव पड़ा। इसी को देखते हुए आज हम हरित क्रांति का अगला जो दुष्प्रभाव पर्यावरण पर देख रहे हैं वो है रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से पर्यावरण का प्रदूषण। रासायनिक उर्वरकों के अनुचित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण अधिक हुआ। अब क्या हुआ हरित क्रांति का, जैसे कि लक्ष्य वास्तव में जो था वो ये था कि हरित क्रांति द्वारा भारत को अधिक कम से कम समय में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होना था। अब खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त करना ये लक्ष्य रखा गया। अधिक से अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद का तात्पर्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। इस स्थिति के अंदर निसंदेह बड़ी तेजी से प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो बढ़ा, पर जब रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा तो लंबे समय में जाकर इनके कारण पर्यावरण प्रदूषित होने लगा और बहुत अधिक स्तर पर जब इसका वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा, लंबे समय तक वृहद स्तर पर जब इसका प्रयोग किया गया तो पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बढ़ता ही चला गया। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों द्वारा जल प्रदूषण होने के कारण नदी, नहर, झील आदि के जल में प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ गया। अब अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। अब जब नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा तो ये उर्वरक पहले तो खेत में डाले गए, जब खेत में तेजी से बारिश आई तो बारिश के कारण उस जल की मृदा वहां से बही, पानी बहा, पानी के साथ ये उर्वरक वहां से बहे बहे आसपास के नदी, नाले, नहर में पहुंचे, झील में पहुंचे और धीरे 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 इन उर्वरकों की लगातार ऐसे वर्ष दर वर्ष उनकी मात्रा बढ़ती चली गई, जिससे आसपास के जलीय क्षेत्रों का नुकसान बिगड़ने लगा, वहां पे उनका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा। नाइट्रोजन अधिक होने से शैवालों की पैदावार व जलीय पौधों की बढ़वार अधिक होने लगी। दूसरा इसका परिणाम क्या हुआ, जब जलीय क्षेत्रों के अंदर नाइट्रोजन जाने लगी तो नाइट्रोजन के अंदर क्या हुआ, जलीय क्षेत्रों के अंदर वहां पे शैवालों की पैदावार बढ़ने लगी, जलीय क्षेत्र प्रदूषित होने लग गए, वहां पे जलीय पौधों की पैदावार बहुत तेजी से बढ़ने लगी और जल के अंदर अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगी। जलाशयों के अंदर वनस्पति का बड़ा तेजी से विकास हो गया, ऐसी वनस्पति का विकास हो गया जो कि उस जलीय क्षेत्र को ही खाने लग गई। ये जब नष्ट होकर सड़ती है तो पानी में ढेर सारी ऑक्सीजन खींच लेती है और पानी में ऑक्सीजन की कमी से उस पर निर्भर रहने वाले जीव मरने लगे। अब क्या हुआ, जब वनस्पति का इतना विकास हो गया, जब ये सड़ी गली वहां पे नष्ट हुई तो उसने पानी की ऑक्सीजन को खत्म कर दिया और जब पानी की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो जो जीव पानी में रहते हैं वो पानी में मिलने वाली ऑक्सीजन से ही अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन जीवों के अंदर श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली और वो जीव जल में ही मरने लग गए, जिससे कि भयंकर प्रदूषण सामने आने। पानी में जैविक अंश की अधिकता होने से वह सिंचाई योग्य नहीं रह जाता और न ही ये जल मनुष्य के किसी उपयोग में आता है। अब क्या हुआ, जल के अंदर क्योंकि जलीय जीवों की मृत्यु होने लग गई, जल के अंदर इस प्रकार की समस्या आने लगी, उसमें जैविक अंश ज्यादा हो गया तो ऐसे पानी से सिंचाई करना संभव नहीं हो पाया और ना ही इस प्रकार का दूषित पानी मनुष्य के लिए उपयोगी रह गया कि वो उसको पेयजल के रूप में उपयोग करे। कई बार पानी के अंदर बहुत ही दुर्गंध आने लग जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त लवण रिसकर भूमि के नीचे चले जाते हैं और भूमिगत जल में मिल जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या पनप रही है। अब जब मिट्टी के अंदर खेती के अंदर नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, लंबे समय तक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया गया तो ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उस क्षेत्र की मृदा में मिल गए। जब कभी भी वर्षा आती है तो वर्षा का जल धीरे धीरे रिसकर भूमिगत
स्रोतों को रिचार्ज करता है, तो ये उर्वरक उस वर्षा जल के साथ भूमि के अंदर भूमिगत जल में भी चले गए और न केवल इन्होंने आसपास के सतही जलों जलाशयों को प्रदूषित किया अपितु इन्होंने तो भूमिगत जल स्रोतों को भी प्रदूषित करना प्रारंभ कर दिया। बहते हुए पानी में नाइट्रेट तथा अन्य निरापद यौगिक में बदल जाते हैं, लेकिन भूमिगत जल में मिल जाने पर वह उसी अवस्था में बना रहता है और पीने का पानी में भी इसका असर दिखाई देने लगता है। जब नाइट्रोजन युक्त यौगिक भूमिगत जल में चले जाते हैं तो लंबे समय तक इसी अवस्था में बने रहते हैं और जब कभी भी हम नलकूपों के द्वारा उस भूमिगत जल को पीने योग्य जल के रूप में उपयोग करते हैं, पीने के काम में लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और विभिन्न प्रकार की हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर भी डालते हैं। मनुष्य की देह में नाइट्रोजन पहुंचने पर वह रक्त में ऑक्सीजन के अवशोषण में बाधा डालती। किसी भी कारण से यदि मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन पहुंच जाती है तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि वो ऑक्सीजन के अवशोषण में बाधा डालती है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन उसके रक्त में पहुंचने के बाद क्या होता है, उसके अवशोषण पर, क्योंकि शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक पहुंचती है वो रक्त के द्वारा पहुंचती है, रक्त की लाल रक्त कणिकाओं से ऑक्सीजन जुड़ जाती है और शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन का संचरण होता है। पर जब रक्त में नाइट्रोजन पहुंच जाती है तो क्या होता है कि वो रक्त की ऑक्सीजन को शरीर के अन्य क्षेत्रों में अवशोषण से रोक देती है, जिससे कि उसके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसके कारण मानव शरीर में मिथियोग्लोबिनीमिया नामक रोग पैदा होने लगा। ये एक बहुत जटिल रोग है जो नाइट्रोजन के अवशोषण के कारण पैदा होता है मानव शरीर में जब नाइट्रोजन पहुंच जाती है। तो इस रोग का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। बच्चों पर इसका विशेष प्रभाव देखा गया। कीटनाशक दवाओं के उपयोग से किसानों को खतरा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हरित क्रांति का जो मूल उद्देश्य है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज्यादा प्राप्त करना है। जब प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमें बहुत ज्यादा प्राप्त करना है, जल्दी से उसे प्राप्त करना है, तो एक और जहां हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, उर्वरक क्या करते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और तेजी से फसलों उत्पादन करते हैं। पर जब फसल पैदा हो गई, बड़ी हो गई, खड़ी हो गई, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे उस पर लग जाते हैं और वो उस फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो उन फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा और इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बहुत स्तर पर बढ़ा। जब इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है तो किसान स्वयं अपने खेत में इन कीटनाशक दवाओं को छिड़कते हैं और उसको उपयोग करते हैं। किसानों को स्वयं भी कीटनाशक दवाओं के उपयोग से लगातार खतरा बनने लगा। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार की सूट पहनने पड़ते हैं, विशेष प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध करनी पड़ती है। पर देखा गया कि किसान लापरवाही में उन सभी शर्तों का उपयोग नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कीटनाशक उनके स्वयं के लिए खतरा बन जाते हैं। अज्ञानतावश ये कीटनाशक दवाएं जिन डब्बों से निकलती हैं खाली होने पर उनका उपयोग खाने पीने की चीजें भरने के लिए कर लिया जाता है। कई बार देखा गया है कि कीटनाशक दवाइयाँ जो लेके आई जाती हैं वो बड़े बड़े डिब्बों में आती हैं, प्लास्टिक के डिब्बों में आती हैं या टिन के डिब्बों में आती हैं। जब ये डिब्बे खाली हो जाते हैं तो किसान अपने रोजमर्रा की चीजों का रखने के लिए उनका उपयोग करने लग जाते हैं और अज्ञानतावश कुछ एक ऐसी खाने पीने की चीजों का प्रयोग उसमें कर लेते हैं, उसमें भर लेते हैं और फिर वो उनको खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कीटनाशक दवाएं कई बार उनके शरीर में पहुंच जाती हैं और वो उनके लिए बहुत घातक खतरा बनती है। बहुत बार किसान हाथों में दस्ताने पहने बिना कीटनाशक दवाओं का घोल बना लेते हैं, जिससे कि उनके हाथों पर ये कीटनाशक दवाई लग जाती हैं और भूलवश जब कभी ये हाथ उनके आंख नाक मुंह पर लग जाते हैं तो ये दवाएं वहां लग जाती हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हैं। इस तरह की असावधानियां छोटे किसान ज्यादा करते हैं क्योंकि वह कम मात्रा में खुली दवाओं का उपयोग अधिक करते हैं, जिससे उन्हें लिखित चेतावनी की जानकारी नहीं मिल पाती। प्रतिवर्ष हमारे देश में हजारों और लाखों किसान इन कीटनाशक दवाओं के जहर से पीड़ित रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ कई किसान इन कीटनाशक दवाओं से विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कई ऐसी लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं कि वो गरीब किसान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। कई बार छोटी मोटी लापरवाही के अंदर किसानों के परिवार के छोटे बच्चे या अन्य लोग भूलवश इन दवाओं का प्रयोग अपने खाने में कर लेते हैं या गलती से वो उसे खा जाते हैं, तो उससे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
मिट्टी में जैविक अंशों में कमी आई। जब हरित क्रांति के अंदर रासायनिक उर्वरकों व रासायनिक खादों कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, जैविक खाद की बिल्कुल कमी आई, जैविक खाद का बिल्कुल उपयोग कम कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में मिट्टी के अंदर मृदा के अंदर जैविक अंशों में लगातार कमी देखी गई। देश में हरित क्रांति की योजना के तहत गहन खेती करने से मिट्टी का उपजाऊपन तेजी से घटने लगा, क्योंकि हम हरित क्रांति का उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना था, इसलिए गहन कृषि की गई, लगातार कृषि की गई, एक वर्ष में तीन तीन फसलें की गई ली गई, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में जैविक अंशों में लगातार कमी देखी गई। अधिक अन्न उत्पादन के कारण किसान धरती से जितने पोषक तत्वों को खींचता है उसके बदले में उतना लौटा नहीं पाता। पंजाब के अनेक भागों में कृषि भूमि में जगह जगह जिंक, लोहे और मैंगनीज की कमी को देखा गया है। पंजाब के अंदर हमने देखा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया, वहां पर उत्पादन भी बड़ी तेजी से लिया गया हरित क्रांति द्वारा, वहां के आर्थिक विकास भी बड़ा तेजी से हुआ, वहां के किसानों के जीवन स्तर में भी उछाल आया, पर वहां पे यह भी देखा गया कि हरित क्रांति के दुष्परिणाम भी वहां पर सबसे ज्यादा देखे गए। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, कीटनाशकों का प्रयोग करना, इसके कारण लगातार वहां पे वर्ष दर वर्ष लगातार एक वर्ष में दो दो तीन तीन फसलें लेना, उससे भूमि की उर्वरा शक्ति में बड़ी तेजी से कमी आई। भूमि में मिलने वाले जो पोषक तत्व हुआ करते थे, जिंक, लोहा, मैंगनीज, उनमें बड़ी तेजी से कमी देखी गई। लुधियाना जनपद पूरे देश में कई फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किंतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की रिकॉर्ड कमी भी उसी जगह देखी गई। लुधियाना पंजाब का एक जिला है, जनपद लुधियाना जनपद, यहां पे कई फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, पर यहां पर जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जो भूमि में पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा कमी कहीं मिली अगर देश में, तो वो भी इसी क्षेत्र में मिली। गहन खेती द्वारा खारेपन की समस्या, जब गहन खेती की जाती है, लगातार खेती की जाती है, तो उससे खारेपन की समस्या भी बढ़ने लगती है। हरित क्रांति की योजना के अंतर्गत देश में नहरों व नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था की गई, किंतु सिंचाई के जल से कृषि भूमि में पानी का जमाव होने लगा। जब सिंचाई द्वारा जल लाया गया तो कृषि भूमि के अंदर जब सिंचाई की जाती है तो वहां पे पानी जम जाता है, काफी लंबे समय तक पानी उसकी सतह पर जमा रहता है, जिससे देश के अनेक भागों में विशेष करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कृषि भूमि में खारेपन की समस्या उभर कर सामने आने लगी। सिंचाई के द्वारा इस समस्या का धीरे धीरे विकास होने लगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों व मध्यम तथा गहरी काली मिट्टी के क्षेत्रों तथा राजस्थान व गुजरात के सिंचित क्षेत्रों में खारेपन की समस्या सबसे ज़्यादा सामने आई। जब ये देखा गया कि खारेपन की समस्या देश में खास तौर से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिली, राजस्थान व गुजरात के क्षेत्रों में भी जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती थी उन क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या देखने को बहुत ज्यादा मिली। देश में इस समय लगभग 69.49 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय भूमि के अंतर्गत देखी गई है, क्षारीय भूमि या क्षारीय भूमि के अंदर देखी गई है। वहां खारेपन की समस्या के कारण ये भूमि खारी हो गई है और खारेपन की समस्या वहां पर लगातार देखी गई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के अनुसार देश के अनेक भागों में सिंचाई प्रारंभ होने के कुछ ही वर्षों बाद खार की समस्या उत्पन्न हो गई, इससे किसानों को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई। अब हुआ यह कि भाई हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना है, तो हरित क्रांति के अंदर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खास तौर से सिंचाई की सुविधा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग और यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाने लगा। अब स्वामीनाथन ने जो अध्ययन किया उनके अनुसार देश में जैसे ही कृत्रिम रूप से जब सिंचाई द्वारा फसलोत्पादन बढ़ाया गया, तो जब सिंचाई की गई तो कुछ ही समय पश्चात देश में की मृदा के अंदर खारेपन की समस्या सामने आने लग गई थी। और आज वर्तमान समय में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्राकृतिक रूप से वहां पे ऐसा नहीं है कि इतनी वर्षा हो कि लगातार फसलों का उत्पादन किया जाए, पर कृत्रिम रूप से वहां पे सिंचाई की सुविधा पैदा कर लगातार फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां की भूमि में इस प्रकार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।
हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए तथा बढ़ती हुई आबादी की भूख मिटाने की कश्मकश में कृषि भूमि का सर्वाधिक शोषण हो रहा है। वर्तमान समय के अंदर यही सच्चाई है कि हमारे देश के अंदर कृषि भूमि का लगातार बहुत ही निर्ममता से शोषण हो रहा है। अतः इस प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा आवश्यक है, साथ ही इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि जिससे ये नष्ट होने से बच सके। और ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने देश की प्राकृतिक संपदा को बनाए रखें, हमारे देश की भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें और इस प्राकृतिक संसाधन की महत्व को समझें और इसको नष्ट होने से बचाएं। असाइनमेंट के रूप में आपको हरित क्रांति से उत्पन्न किन्हीं दो पारिस्थितिकी समस्याओं पर टिप्पणी लिखनी है, साथ ही आपको हरित क्रांति से उत्पन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर एक लेख लिखना है। ये लेख आपका 200 से 500 शब्दों के बीच में होना चाहिए और हरित क्रांति से उत्पन्न पारिस्थितिकी जो टिप्पणी लिखनी है ये टिप्पणी 100 से 120 शब्दों की एक टिप्पणी होनी चाहिए। दो टिप्पणियाँ आपको इसकी समस्याओं पर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे।